तो आप सब कैसे हैं? आई होप आप अच्छे होंगे। ये देखिए, गैलेक्सी लोकल कंपनी है, ये गैलेक्सी के नाम से है। इसमें प्रॉब्लम देखिए आप अच्छा से, किस प्रकार का प्रॉब्लम है, लाइट ऑफ करके हम आपको दिखाते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, एक्चुअली इसे कैसे ठीक किया जा सकता है, ठीक होगा या ठीक नहीं होगा। मेरे साथ वीडियो में पूरा बने रहिए, हम आपको जो चीज़ दिखाएंगे वो 100% राइट दिखाएंगे, कोई इसमें एडिटिंग और फेक कोई वीडियो नहीं है। देखिए आप इसको देखिए, ये टिकोन आप देखे हैं, ये एकदम नॉर्मल टीवी है, इसको अच्छे से पहले साफ कर लेते हैं। देखिए ये सब कोई जानता है, LG का 32 इंच का LED टीवी है, ये बहुत फेमस टिकॉन है, जो हर कोई इसको रिपेयर किया होगा, ये पुराना ही है। देखिए इसमें LG का डिस्प्ले जो आता है वही डाला है, देख लीजिए इसमें क्या प्रॉब्लम है, कैसे ठीक होगा, हम सब कुछ आपको बताएंगे। चलिए तो एक बार थोड़ा सा इसका वोल्टेज चेक करते हैं, क्या कौन कौन सा वोल्टेज बन रहा है। देखिए मुख्यतः VCC 12 वोल्ट बन रहा है। चलिए VGS चेक करते हैं, दो चार ही वोल्टेज से ठीक है। देखिए 27 वोल्ट, 28 वोल्ट, देखिए VGL -5 वोल्ट। देखिए ज़्यादा वोल्टेज चेक करने का कोई ज़रूरी नहीं है, अगर जो सप्लाई जो मेन होता है वो बन रहा है फिर ठीक है। देखिए ये VGL, ये देखिए ये भी VGL, जो इसका ऑड इवन वोल्टेज है वो सही से काम नहीं कर रहा है। ये ऑड इवन, इसको 1 सेकंड के लिए माइनस और फिर 1 सेकंड के बाद इसको प्लस वोल्टेज आना चाहिए, जो ये नहीं बन रहा है। देखिए इसमें हम थोड़ा आपको डिस्प्ले उठा के दिखाते हैं, देखिए सिम्टम, देखिए किस प्रकार के सिम्टम, देखिए एक कॉर्नर में देख रहे हैं, कॉर्नर में देख लीजिए, फिर बाद में हम आपको दिखाएंगे जी कॉर्नर से क्या चीज़ हुआ, कैसे ठीक हुआ या नहीं हुआ। देखिए ये वोल्टेज का कुछ प्रोसेस होता है जो हम चेक करके देखें, वो देखिए आप सब देख सकते हैं, एकदम से नॉर्मल वोल्टेज है। देखिए रिपेयर करने के बाद किस प्रकार से चल रहा है, देखिए ये लेफ्ट साइड का है जो कट नहीं किए हैं। ये दोस्तों मेरा प्रयास रहता है कि छोटा सा छोटा वीडियो हो और जितना हो सके आपको 100% ओरिजिनल कंटेंट वीडियो दें। हो सकता है मुझसे कुछ भूल चूक हो जाता है जो हम आपको अच्छा से समझा नहीं पाते, मेरा जो भी त्रुटि है वो धीरे धीरे ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं, जितना हो सके वो त्रुटि हम ठीक करें, नया है इस फील्ड में और जितना हो सके उतना तो हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। देखिए इसको अच्छा से हम आपको स्क्रीनशॉट इसको हम आपको दिखाते हैं, कट किए हैं, ये जो जितना रेजिस्टेंस है 2, 4, 6 रेजिस्टेंस से लगा रहता है सबके रिमूव कर दिए, फिर भी वो सही प्रॉब्लम था, थोड़ा सा नसीब का फर्क पड़ा। और इसको अच्छा से कट करने के बाद ये किस प्रकार से पिक्चर चल रहा है और तो हम आपको दिखाते हैं, देखिए साफ थोड़ा सा, हाँ देखिए क्लीन थोड़ा सा हुआ। चलिए तो हम आपको स्क्रीनशॉट का एक पिक्चर ही दिखा देते हैं, चलिए देख लीजिए, इधर से 3 को छोड़ के बाकी सब कट कर दिए, कट करने के बाद ऐसा पिक्चर आ रहा है, देखिए आपके सामने है ये, जैसे कि थोड़ा सा आपको लगे कि हाफ पिक्चर आ रहा, हाफ पिक्चर नहीं आ रहा है। ऐसा क्यों आ रहा है? ये आ रहा है ये कॉर्नर पर जो डिस्प्ले शॉर्ट किया है, जो भी चीज़ कस्टमर कहाँ से वैसे कॉर्नर पर उसका सप्लाई जाता है, जो सप्लाई उसका समझिए कि बहुत नहीं अच्छा से आ रहा है तो ऐसा आया है। अगर आपको अच्छा लगा मेरा वीडियो तो आप लाइक कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन अलाउ कर सकते हैं। थैंक यू सो मच मेरे साथ वीडियो बने रहने के लिए, थैंक यू।